उर्मी मुंह बंद कर वरना। ए धमकी किसको देता है रे तेरी तो। ए उर्मी पंकज तो इधर क्या करेगा मेरे को जेल में डालेगा हम तो पहले से ही जेल में। अरे छोड़ ना बाबा। ये तो मैडम सर जिंदा है। काय बकते रे नकटी अब क्या अखियों से गोली मारी खेलेगी मेरे साथ। मारने का है ना तो अपने वाले को फाइन मार। 7,500 का नुकसान हुआ है मेरा कौन भरने को आएगा तेरा आइटम। और नुकसान से नहीं डरती मैं कल के दिन अखा दिन रेकड़ी चलाएगी और एक एक पैसा वसूल करके निकालेगी देख लेना तुम लोग। ए मौसी इससे ज्यादा आग पड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटिया के लेंगे। ए चटक चांदनी लेडीज होके जरा लेडीज की मदद करना। नहीं करेगी ना तू भी पुलिस वाली है तो मेला के काम अच्छा नहीं। अरे ये सब क्या है। अरे काय चालले काय गिरे आला रे आला वाघ मारे तू एवढा सॉलिड कसा रे। तुझा मिशीची शपथ 2 मिनिट लेट आते ना तो ये जो तेरे लिंबू टिंबू है ना इनको कांदे में निचोड़ के वड़ा पाव में डाल के पार्सल करने वाली थी मैं। उर्मी नहीं उर्मिला महादेव मात्रे दामोदर वाड़ी प्लाट नंबर 48 गली नंबर 3 विठल वड़ा पाव सेंटर आमची कुठे ही शाखा ना है। ए उर्मिला तुला जर वडापावचा धंदा करायचा असेल ना तो 50 साल से वडापाव का सेंटर इधर ही चल रहा है। मालूम पहले कौन करता था? नहीं आई शपथ मैं नहीं। मेरे अज्जा बोले तो मेरे पप्पा के पप्पा। पहले पप्पा के पप्पा करते थे फिर पप्पा करते थे अभी मैं संभालती है। इंस्पेक्टर शिंदे से लेकर पाटिल मैडम सब ने मेरे साथ सेल्फी ले लाए। और मालूम क्या कल एक मस्त छटांग लड़की आई थी अपना इंटरव्यू लेके गई। तू था ना? आई शपथ मैं नहीं था। था। समाज में अपना इज्जत के साथ साथ वट भी है। एक फोन मारेगी ना मैं तुम्हारा उधर बदली कर देंगे। किधर रहे? चीरगड़ोली। गढ़चिरौली हल्के में नहीं लेने का। और क्या सब 1,000 रुपए हफ्ता देती है ना मैं तुमको कम पड़ता है क्या? फिर से भेज देते अपने पंटर लोग को। ए सब मैं पहले ही बोली थी हाँ संतुलन वाली पोरगी है मैं। फिर काय कोई हर बार आते राड़ा करने को। ए ये कहीं बोलती इधर उधर देखो साहब क्या है ना मेरे को पूछेंगे कि वाकमारी साहब कितना हफ्ता लेते मैं ताबड़तब बोलेगी 1,000। इसके लिए मेरे को जाने दो। काय के लिए खाली पॉकेट अपना सेटिंग खराब करते हो जाने दो ना मेरे को कितना टाइम वेस्ट हो गया है। मेरा फायदा? फायदा तुम्हारी बाइक को पता चलेगा कि वो दूध वाली के साथ तुम्हारा लफड़ा चल रहा है तो वो रात भर तुमको बेंच पे सुलाएगी सोने का है क्या? ब्लैकमेल करती मेरे को? अच्छा ब्लैकमेल नहीं अपने को खाली व्हाइट मेल पसंद है। ए साहब सुन तुम मेरा आवड़ता इंस्पेक्टर है छोड़ो ना जाने दो ना मेरे को। तुम्हारा सारा राज में एकदम सेफ रखेगी मुंह ताला बंद करके पक्का नक्की। हे उर्मिला तेरा बाप है ना मेरा बहुत अच्छा दोस्त था इसलिए से मैं तेरे को छोड़ रहा हूँ तेरे धमकी से नहीं समझी ना। और अभी आगे मेरे को कुछ भी लफड़ा नहीं चाहिए तेरा धंधा करने का है ना तो करना लेकिन बीएमसी का परमिशन लेने का प्रॉपर कागज बनाने का। अनही तुला तो शेवटची वार्निंग है चल निकल अभी यहाँ से। और हाँ ये सब टोली को लेके जा चल। ओके थैंक यू वेरी मच बंचन दा चलो रे थैंक यू वेरी मच चलो 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 भाई खूब तगड़े से थैंक यू चल चल चला रे चलो अकेली नारी नए भारी। मैडम सर कहाँ गई? ये मैडम सर नहीं है तो कौन है? पता नहीं कौन है पर जो भी है बहुत गजब है। सब ये रहा हमारा मुंबई आने का ऑफिशियल विजिट लेटर और लिखित तहरीर की अब से मीरा मशीन का केस आपके हवाले होता है। सर एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ। ये कौन थी ये लड़की? कौन लड़की? वही लड़की सर जो आप सबको सुना के चली गई। नहीं नहीं हमारे कहने का मतलब है जो यहाँ भौकाल मचा के चली गई। हाँ। ना क्या मचा के चली गई? भौकाल भौकाल वो हंगामा
हंगामा मचा रही थी ना सर पूरे यहाँ पे, वो जो हंगामा मचा के चलेगी वो लड़की कौन है सर? अच्छा वो लड़की? जी उर्मिला महादेव मात्रे पूरा नाम। ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है, वो बाप दादा से चला रहा है। महादेव मात्रे मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, हमेशा फुल टाइट रहता था वो, टाइम के पहले चला गया वो। हाँ ये लड़की जुबान की तीखी है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, और वड़ा पाव क्या बनाती है, मस्त एकदम टेस्टी। इसके वड़ा पाव की टेस्ट की तो पूरे मुंबई पर चर्चा है। अगर हमको भी उसका वड़ा पाव खाना हो तो? हाँ खाइए ना, जरूर खाइए। आप लोग है ना गांव जाने के बाद भी उसके वड़ा पाव का टेस्ट नहीं भूल पाएंगे। अच्छा यहाँ से वापस हम गांव क्यों जाएंगे? हम तो जाएंगे अपने शहर लखनऊ। हाँ हाँ आपके गांव मतलब अपना शहर ही? जी नहीं नहीं सर, शहर सर। नहीं नहीं वो पुष्पा जी थोड़ा आराम से, वो कह रहे हैं कि वो जो अपना शहर है ना वो यहाँ पे गांव ही होगा। गांव कहने का मतलब है कि अपने घर जब जाएंगी, अपने गांव अपने घर जब जाएंगी तो भी टेस्ट नहीं भूलेंगी आप वड़ा पाव को, ये कहने का। अच्छा अच्छा वो तो वो ऐसे देखो ये समझ गई। मुद्दे पे रहे हम, वो लड़की सर वो विट्ठल वड़ा पाव ना कहाँ मिलेगा सर? बहुत मन कर रहा है हमें वड़ा पाव। आप यहाँ से सीधा चले जाइए, वहाँ पर एक बड़ा मॉल है चौराहे पे, वहाँ से लेफ्ट मारिए और सीधा जाएंगे तो सामने आपको वो विट्ठल वड़ा पाव दिखेगा। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने लड़की का? उर्मिला महादेव माद्री, मैडम सर के हम शक्ल। चालबाज। आपको कैसे पता चालबाज है? नहीं वो श्रीदेवी की फिल्म है ना चालबाज, उसमें श्रीदेवी जी का ना डबल रोल, एकदम हमशक्ल। मैंने तक तो सोचा था ऐसे कि ये तो सारा सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल में ऐसे हमशक्ल होते होंगे? कहा जाता है कि एक इंसान के साथ हमशक्ल होते हैं। मेरी भी होंगी? हाँ होंगे। सातों के सातों चोर होंगी? सातों चोर होंगे, सातों को फांसी हो गया होगा, सातों मर गए होंगे। चुप ना यार, कितना बकलोली करता है। संतु जी काम कर रही है, करिश्मा मैडम उनको काम दी है कि उर्मिला मन तोड़कर। उर्मिला महादेव मात्रे, उर्मिला महादेव मात्रे का डिटेल निकालना है। अरे उसमें कचर पचर लगा हुआ है, रुक ना। मुझे तो लगता है ना पुष्पा जी को भ्रम हुआ है, वो अंग्रेजी में कहते हैं ना हेलो जनरेशन, वो हुआ है। क्या कहते हैं? वही हेलो जनरेशन। अरे पर पुष्पा जी के साथ तो करिश्मा मैडम भी थी ना, एक साथ दो लोगों का इससे हेलो इमेजिनेशन हो सकता है? है? इमेजिनेशन? हाँ यही होता है। हेलुसिनेशन। क्या? आप लोग भ्रम बोलो। भ्रम? हाँ भ्रम भ्रम भ्रम। क्यों नहीं हो सकता भ्रम? मतलब मुझे भी होता है, ऐसे किसी औरत को देखता हूँ तो लगता है कि मैडम सर ही है, पर मैं जाकर पूछता हूँ औरत को आप मैडम सर, तो कहती कि नहीं आई एम नॉट मैडम सर, पर बाद में थप्पड़ मार देती है, ऐसा क्यों पता नहीं। ऐसे होता है चीते, ऐसे होता है। मतलब हम किसी को अपने मन के गहराई से मानते हैं ना तो उनकी जाने की बात ये मन मानता ही नहीं है। मुझे लगता है पुष्पा जी और करिश्मा मैडम के साथ ऐसे हो रहा है हेलो जनरेशन। बिल्लू जी चीता ये देखिए। मैडम सर। नहीं नहीं बिल्लू जी, डेटा के हिसाब से उर्मिला महादेव मात्रे मैडम सर की हम शक्ल। खचो खचो मतलब तुम जेरोक्स, सेम टू सेम मैडम सर। हाँ ऊपर वाले ने भी टाइम बचाने के चक्कर में पूरा कॉपी पेस्ट मार दिया है। इसका मतलब ये है कि बात एकदम 16 आना सच है कि मैडम सर की हम शक्ल है। हाँ इट्स नॉट अ हेलो जनरेशन। नहीं मगर एक बात हमें समझ में नहीं आ रही है, सुन रही है आप हमारी? हाँ, बात हम सुन रहे हैं काका। वो लड़की सिर्फ मैडम सर की तरह दिखती है, मैडम सर तो नहीं है ना, तो फिर हम क्यों उसे ढूंढ रहे हैं? हमें क्या है उससे लेना देना? लेना देना है पुष्पा जी, उर्मिला का दिखना मैडम सर की तरह होना आपके लिए संजोग होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि भगवान ने ये जान मूझ के हमें यहाँ भेजा है ताकि हम उससे मिले, उससे टकराए और हमें रास्ता मिले उन कातिलों तक पहुँचने का। आप समझ रही हैं? उर्मिला जो है वो हमें हमारी मुश्किल का हल नजर आ रहा है उसमें। चल क्या रहा है आपके दिमाग में? देखिए पुष्पा जी, हमने मैडम सर से ही सीखा है कि कीमत मौके के नहीं मौके का फायदा उठाने वाले की होती है, और ये हमारे लिए वो बहुत बड़ा मौका है जिसको हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। हम उर्मिला को मैडम सर यानी SHO बना के लखनऊ लेकर जाएंगे।
हाँ पुष्पा जी, इससे डीएसपी सर को सिर्फ तसल्ली नहीं बल्कि उन लोगों को यकीन हो जाएगा जिन्होंने मीरा को निशाना बना के मैडम सर को मारने का षड्यंत्र रचा है। यही वो एक तीर है जिससे हम कहीं निशाने लगाएंगे। समझिए हमारी बात को पुष्पा जी। कैसी बातें कर रही हैं आप? कौन मानेगा कि वो मैडम सर है? कहां हमारी मैडम सर शान, लखनऊ की अदबो अदब वाली मीठी, और कहां ये मुंबई की हरी मिर्च, मुंह खोलते ही पकड़ी जाएगी। आपने सोच कैसे लिया वो अपना सब कुछ छोड़ के हमारे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? आपने थाने में देखा नहीं, अपने एक वड़ा पाव के ठीए के लिए उसने पूरा थाना सर पे उठा के रखा था, तो ये सब छोड़ के वो आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएगी? हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है ना पुष्पा जी, हमें उसको लेकर जाना ही होगा और उसको हमारे साथ आना ही होगा, खत्म बात। चलिए। अरे मगर आप कहाँ लेकर आई है आप हमें? वो थाने में तो उस वो जो सर थे ना, डंक मारे उन्होंने। डंक मारे? नहीं नहीं, हाँ हाँ, झक मारे, वाघ मारे पुष्पा जी। हाँ हाँ हाँ, वाघ मारे। उन्होंने बोला था कि किसी चौराहे पे है, तो आप ये कहाँ लेकर आई हमें? हाँ तो पूछ लेते हैं ना किसी से। अरे साजन के एक नंबर फूल, एक नंबर फूल, साजन के फूल सिद्धि नायक पे चढ़िए और फिर अपना काम बनाइए या फिर अपनी सजनी को दीजिए। भाई साहब सुनिए जरा। अरे नमस्कार नमस्कार मैडम, नमस्कार, जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम, सही दिन पे आए हो, आज पुलिस वालों के लिए स्पेशल ऑफर है। बोलो कौन सा हार दे दूं आपको, बोलो। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ कुछ खरीदने नहीं आए हैं, हमें वो मैडम लीजिए, स्पेशल ऑफर है, आपका काम बन जाएगा। पर हम लेने ही नहीं आए ना भाई साहब, हमें विट्ठल वड़ा पाव जाना है, वो उर्मिला मात्रे का है ना, तो हमें उर्मिला के पास जाना है, आप बताएंगे वो कहाँ है? उर्मिला, खुशबू मिलती फूलों में, बारिश मिलती आसमान में, मेरे उर्मी को ढूंढने वालों, उर्मी मिलेगी सिर्फ साजन के दिल के मकान में। अमाओ आशिक, हम विट्ठल वड़ा पाव सेंटर ढूंढ रहे हैं, 108 नंबर गली बोला था, यहाँ तो सारी गलियां एक जैसी लग रही हैं, वहां तक कैसे पहुंचे उर्मिला तक? ओ मम्मी आ है ना मैडम, अरे अपन लेके चलता ना उसकी रेकड़ी पे। हाँ हाँ, इसी बहाने तुमको उसके दीदार हो जाएंगे है ना, हाँ? हमने तो पहली नजर में पहचान लिया, पक्के वाले आशिक हो तुम। मैडम अभी क्या बताऊं मैं आपको, मतलब ऐसे जान छिड़की। चलिए ना, तो चलिए आइए ना मैडम। हाँ मैडम यहाँ से, मैडम यहाँ से फिर ऐसे लेफ्ट जाना है फिर मैडम। क्या मैडम तुम्हारा क्या है, पार्सल लेके खाएंगा इधर कौन? चलो दो मिनट, गरम गरम बना रहा है वो, मस्त तुमको चकाचक बना कर देती है मैं पार्सल। जो भी खाना खाली, विठ्ठल वड़ा पाव खाना, क्या ये लो दे दे। अरे सुट्टे पैसे दे, सुट्टे नहीं माझ्या कडे। उर्मी ए भाऊ, सुट्टे पैसे दे। भाऊ मत बोलो ना। नहीं नहीं भाऊ नहीं, अजिबात भाऊ नहीं। चल अभी चुपचाप वड़ा पाव खा और चलता बना, इधर फालतू आशिक बन के खड़ा रहने का नहीं, ठीक है? हाँ तुम्हारा कितना, एक ही वड़ा पाव, ठीक है? हाँ तुम। उर्मी अक्का मुंबई जानते अपन तेरे पे कितना लव करता है, और सबके सामने अपन का कचरा कर रहे लिए, कब तेरे दिल के मोबाइल पे अपने मोहब्बत का डिस्प्ले अपग्रेड होगा रे? मस्त बोला ना मैं, इसे बोलना तो सीख ले पहले। और वैसे भी अपने दिल का कैरेट बहुत पहले एक्सपायर हो चुका है, इसलिए सुन मेरे राजा, चुपचाप लाइन पे आ जा। मेरे को राजा बोली? बजाएगी तेरा बैंड बाजा, निकल जा इसे, और जाते जाते वो रद्दी वाले को हाक मार देना प्लीज। येणार येणार, माझे पण दिवस येणार, इस साजन की सजनी बन के रहेगी तू। अरे विठ्ठला उचल रे बाबा, मला नाही याला उचल पटकन। ऐसे बोलेगी तू? इसको कैसे बनाएंगे मैडम सर? इसे मिलाकर 4053 वड़ा पाव हुए जो तूने मेरे मुंह में ठूसे है, अपने दहेज के खाते में डाल देना। और सुन उर्मी, अपन खुद नहीं आए इधर, समझे ना, ये पुलिस वाले को मिलना था तुमसे, इसलिए लेके आया मैं इधर। चलता है अपन, लव यू। लय उड़ायला लागला, चल निक, ए संभाल रे। क्या रे मौसी, इधर भी आ गए तुम लोग? तुम लोग इधर नए आए क्या? पहला हफ्ता है तुम्हारा, कुंकू लगाऊं अभी तुमको? अरे ये तो चटक चांदनी भी नवीन लग रही मेरे को। सुन मौसी, दिमाग की मत कर काशी, अभी लेडीज लोग के साथ मैं हफ्ता हफ्ता नहीं खेलने वाली है, एक को देती हफ्ता उतना ही परवड़ता है मेरे को। अरे सुन सुन, हमें पैसे नहीं चाहिए, मुफ्त का वड़ा पाव तो बिल्कुल इच नहीं मिलेगा। हमें मुफ्त का वड़ा पाव भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या गेटवे ऑफ इंडिया जो टूरिस्ट बन के आया मेरे को देखने के लिए? नहीं तुम कुछ बात करना है आपसे अकेले में, टाइम नहीं है मेरे पास, जो भी काम है शाम को आरती के बाद, अभी धंधे के टाइम पे फुका टाइम वेस्ट करने का नहीं। चल हट रहे, हाँ तुम तक आए।
हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें इसी के जरिए पता चलेगा कि मैडम सर की जान किसने ली। बात कर सकते हैं? रुको जरा, दो मिनट तो धीरज रखो। ए विठला, आज जो जो मिस्टेक किया उसके लिए माफ करने का, और अभी जो मिस्टेक करने वाली उसके लिए पहले माफ करने का। सुन रहे बाबा, ए किधर गया, किधर गया रे तू? अच्छे से सब अच्छे से पैक करना, मस्त साइड में चकाचक चादर वादर लगा के जाना, ठीक है? अब तो बात कर सकते है ना? नहीं, आज सोमवार है, सोमरस पीने का दिन है। देख मौसी, मैं ना एकदम संतुलन वाली पोरगी, अभी काम धंधा खत्म हो गया ना, अभी पार्टी चली, चलती क्या मौसी? ऐसी आंख खुलाएगी ना, दो मिनट में मौसी से सीधा मंगड़ा, चल। नहीं नहीं, ए दांत मातारी, अभी सुनो, काम का बात करने का है ना, तो उधर ही चोएगा, बोलो क्या करना? कि तुम लोग सच्ची मेरे पीछे इधर आओगे? क्या रे मातारी, पसंद आई मैं तेरे को? सून बनाएगी मुझे? ए, ए, सासु भाई, सासु भाई आली माजी, स्पाय लागू सासु, स्पाय लागू। अभी सच्ची सच्ची बताने का, क्या अच्छा लगा तुमको? मेरा स्टाइल अच्छा लगा कि मेरे गाल की खड़ी है? वैसे मेरा आइटम करता क्या रे मातारी? नाम पुष्पा सिंह, मातारी नहीं, मातारी मंजे बुढ़िया। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दे, हम हमारे लल्ला की शादी हो चुकी है। लल्ला? बचपन में शादी किया था क्या उसका? तो हमारे लल्ला की शादी हो चुकी है, और ये जो तुम्हारे सामने बैठी है ना, ये है हमारी बहुरानी, इससे शादी हुई हमारे लल्ला की, जो उसके भाग भाग खुल गए हमारे लल्ला के। और एक बार दोबारा अगर हमें तुमने बुढ़िया बोला ना, तो ये जो बोतल है ना, तुम्हारे सर पर फोड़ देंगे, चेता रहे तुमको। ले बारे। देखो ऐसा है कि हम यहाँ पे ये तफरी करने तो आए नहीं हैं, हम तुमसे बहुत गंभीर बात करने आए हैं, काफी गंभीर विषय है, हम चाहेंगे कि तुम भी थोड़ा गंभीर हो जाओ और हमारी गंभीरता को समझो, समझी? नहीं गंभीर नहीं, मात्रे उर्मिला महादेव मात्रे। और एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, मैं खबरी का काम नहीं करती है, बहुत डेंजर है। अरे हम तुमसे कुछ बात करने आए हैं यहाँ पे। तो करो ना बात, लेकिन थोड़ा इश्माइल के साथ चटक चांदी, इतना लोड काहे के लिए लेती है? कुछ बात करने आए? अच्छा अच्छा अच्छा, इतना गंदा स्माइल देगी तो मैं बातचीत नहीं करेगी। मेरे से बात करने का है तो अभी सॉरी बोलना पड़ेगा। मेरे से बात करने का है तो अभी सॉरी बोलना पड़ेगा। सॉरी? अच्छा सॉरी का है? सॉरी 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 प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज उर्मिला जी, सॉरी प्लीज उर्मिला जी, तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत जरूरी, कर सकते हैं? नहीं। कर कर बोलो बोलो। कर करा की आई चा गावाश नहीं बात करेगी मैं। अरे अरे सॉरी सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज, सॉरी प्लीज जुर्मिला जी। हाँ ये कह रहे हैं, लय भारी है ये तो भाई, चे मौसी ये बग, हां ये मीस तुम, ए ए मदर, ए मदर, ए बग, ए बग, ए बग, आए कि नहीं? मैं आए, क्या एक नंबर फोटो निकाला है रे, किधर निकाला है फोटो? अरे निकालने का था तो थोड़ा वो काला कोट में वकील के जैसा, नहीं तो वो ये छोटा छोटा स्कर्ट पहन के बॉल बैट खेलती वैसा निकालने का था।
ये तो तुमने मोडीज खराब कर दिया। हट, ये तुम नहीं। अब क्या दादर में जाके किसी से भी पूछने का, यही बोलेगा कि ये वड़ा पाव वाली उर्मी है, और नहीं हुई ना तो मैं अपना नाम बदल डालेगी। ये हमारे थाने की SHO हसीना मैडम है हमारी। ये हसीना तो मैं क्या पसीना। हट, ये हमारी मैडम सर है हसीना मलिक, जिनकी शक्ल तुमसे मिलती है। हाँ, और सिर्फ शक्ल ही मिलती है और कुछ नहीं। हैला मंजे जुड़वा, मेरे आई बाबा बचपन में बिछड़ गए थे, इतने साल में तन्हा अकेली ही माजी मोटी ताई, क्या एक नंबर कहानी है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब तुम इसे संजोग कहो या कुदरत कहो, लेकिन हमारी हसीना मैडम की शक्ल तुमसे हूबहू मिलती है। छे मंजे, घपले में घपला मेरा थोबड़ा छपला। ए क्या चाहिए रहे तुम लोग को, काय को खाली पीली मेरा टाइम और मेरी दारू वेस्ट करते हो। देखो मंजे, तुम लोग बोलते हो कि मैं तुम लोग के साथ ए हसीन दिलरुबा बन के लखवाओ मुंबई लखनऊ। माँ लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ। देखो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो हमें उन तक पहुंचा सकती हो, हमारी बात को समझ रही हो। क्या सोचा तुमने, क्या जवाब है तुम्हारा? ठीक है, नहीं आएगी। लखनऊ तुमको आना है हमारे साथ मैडम सर बनके। देखो तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो, तुम ही हो जो हमें उन तक पहुंचा सकती हो, हमारी बात को समझ रही हो। क्या सोचा तुमने, क्या जवाब है तुम्हारा? ठीक है, नहीं आएगी मैं। क्या रे, खाते में लिखना रे। अरे क्यों नहीं आओगी तुम? सुनो तो, तुम हमारी मदद क्यों नहीं करना चाहती? इनको तो ठीक है कांटे लगे, हम पे भी कांटे लगे हैं क्या? कांटे तो गुलाब में भी लगे मातारी। मातारी तो नहीं नहीं, आइटम आइटम आइटम, कांटे तो गुलाब में भी लगे आइटम, लेकिन तुम लोग की एक ही चीज है जिसपे इतना गुस्सा आता है ना मेरे को, मेरी सटक जाती है, सनक जाती है, ये तुम्हारी वर्दी। साला एक दिन नहीं जाता जब भी पुलिस वालों के साथ फालतू का मचमच नहीं हो जाता। जितना वड़ा पाव नहीं बिकता ना मेरा, उससे ज्यादा हफ्ता देना पड़ता है ये कार्टे लोगों को। और तुम लोग बोल रहे हो कि मैं तुम लोग की मदद करूं, जमनार नहीं। अरे बात नहीं नहीं, मैं तुम जैसे पुलिस वाले को रेकड़ी पे बिठा के विसर्जन करके आएगी, लेकिन मदद नहीं करेगी। जाओ अभी। तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? संभालिए, आप संभालिए अपने आप को। देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो क्या? बिल्कुल नहीं। मैं क्या तुमको क्रांतिकारी लगती? आई एम अ कॉमन मैन, कॉमन लेडी। ओए तेज, अपने को खाली एक ही चीज से प्यार है, वो है पैसा, और जो अपने को बहुत अच्छे से कमाने को आता है। ये देश बीच मैं नहीं बचा सकती है। चलो तुम लोग के साथ दो मिनट और रुकी ना, तुम लोग तो जयंती कर दोगे ना मेरा। उर्मिला मात्रे अमर रहे। क्या है ना, अपने को अभी जरूरत है एक मस्त पोरगी की, अमर शिंदे अमर पाटिल जैसा। ए नहीं तो तेरे लल्ला भी चलेंगे। अरे काय के लिए तू पसंद आई अपने को, बोल छोड़ता कैसे? नहीं छोड़ता ना। तो छोड़ दे। मतलब तुम अपने अपने देश के लिए कुछ भी नहीं करोगी? प्यार नहीं है तुम्हारे मन में अपने देश? अरे है ना, बहुत प्यार है रे बाबा। पिक्चर शुरू होने से पहले वो जो दो मिनट का जनगण मन होता है ना, वो मैं फुल सीधा एकदम स्ट्रेट खड़ा होकर मुंह जवानी बोलती हूँ। 15 अगस्त 26 जनवरी को मैं झंडा लगाती अपनी रेकड़ी पे। इनफैक्ट डिस्काउंट देती मैं आने वाले लोगों को, कैसे तुम जय हिंद करेगा तो तुमको एक वड़ा पाव मुफ्त मिलेंगे। बस दो दिन का देशभक्ति जमता है अपने को, इससे ज्यादा नहीं जमता अपने। अभी बस हो गया तुम लोग का नाटक, अभी कल सुबह ने का मस्त गर्मा गर्म वड़ा पाव खिलाएगी, उधर से जाओ तुम, तुम्हारा लकवा मुंबई। सुनो तो सही, कहां से लाएंगे आप? कैसे चल रही हो, बड़खबड़ रास्ते पे आप गिर जाएंगी। हाँ
क्या कह रही थी तुम संतु? अच्छा स्लीपर कोच में भी वेटिंग दिखा रहा है, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। नहीं तुम एक काम करो, 3 टायर AC का टिकट बुक करा दो एक। हाँ 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 मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट। फोन दीजिए दीजिए ना, बात कर रहे हैं ना। हाँ संतु कोई टिकट विकेट नहीं कराना है, क्या है कि हमारा कंफर्म टिकट है तो कराने का कोई जरूरत नहीं, समझ रही हो? अरे हम हमारे टिकट की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, तो वो भी तो आएगी ना हमारे साथ। उर्मिला लाइए फोन दीजिए। हाँ सुनो संतु, तुम इसलिए 3 टायर AC में टिकट बुक करा दो उर्मिला महादेव महात्रे के नाम से। एक मिनट कोई जरूरत नहीं है संतु, कोई टिकट बुक नहीं करानी है, ठीक है? अरे टिकट बुक करानी है, तुम करा दो टिकट। नहीं संतु टिकट बुक नहीं करानी, वो हमारे साथ नहीं आ रही है। नहीं एक सेकंड, आप सास बहू दोनों पहले मिलके डिसाइड कर लो टिकट बनानी है कि नहीं बनानी। निकालना है ना, आप तो पौवा पी के टल्ली थी। है पुष्पा जी आपने फिर से पिया? अरे नहीं अब हम बाद में बात करते, कुछ भी बात कर। कुछ भी क्या, उसने साफ साफ मना कर दिया, उसने साफ साफ बोल दिया कि वो हमारे साथ नहीं आना चाहती है। फिर काहे आप पीछे पड़ी है, वो एक आखिरी उम्मीद थी हमारी मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने की, वो भी हाथ से निकल गई हमारी। जानते हैं, मगर वो कहते हैं ना कोशिश और उम्मीद आखिरी सांस तक नहीं छोड़नी चाहिए। क्या पता हमारी जीत वही हो जहां हमें लगता है कि हम हारने वाले हैं। अरे जब तक हम हैं तो क्या गम है। आपने मैडम सर के तरीके से उसे समझाने की कोशिश की थी ना कल, आज हम उसे उसी की भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे अम्मा? बस आप देखते जाइए कैसे। अभी क्या बताऊं मैं तेरे को वो मातारी और चटक चांदनी के बारे में, पुलिस वाले जेन जो की लेडीज मच मची करते हैं। तेरा आलू आज बहुत बेकार है। नहीं नको मला, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर वो भी दो। मैडम देखो कितनी बार बताऊं मैं तुम लोग को, मेरे को तुम्हारे ऑफर में पावली भर भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपना अच्छा खासा बड़ा पाव का धंधा छोड़ के तुम लोग के साथ लखनऊ बिकनऊ नहीं जाने वाली है, इसलिए मेरा पीछा छोड़ो। सुनो तो हमारी पूरी बात तो सुनो। अरे कितने डेट हो रहे तुम दोनों, ये काहे है? तू मेरी असल की सास होती ना तो तेरे मुँह में कांदा भरती हूँ, ताकि जब भी तू मुँह खोलती ना बड़बड़ करो गान जान जान, उतना कांदा कट कट के निकलता, छुरी की जरूरत नहीं पड़ती। ए तू गप रे, तेरे मुँह में नहीं तो आलू भरेगी और चिप्स निकालेगी। देखो मैडम मैं तुमको जितना प्यार से बोल सकती है ना उतना प्यार से एक मस्त बात बताती है, मुंबई में किसी का टाइम खोटी करना पाप है पाप, और तुम 2 दिन से मेरा टाइम खोटी कर रहे हो, इसलिए जाओ अभी यहाँ से। तेरे टाइम का भाव क्या है? कर तुम्हें कहा ना कि मुंबई में टाइम खोटी करना पाप होता है, इसलिए पूछ रहे हैं कि तुम्हारे टाइम का भाव क्या है। ए क्या रे मातारी, सुबह सुबह पौवा टिका के आई क्या कि बुखार भी कराए इसको? अरे हमारे कहने का मतलब ये है कि तुम दिन में कितने वड़ा पाव बेच लेती हो? जितना तेरी जवानी में दिन बचे उसका डबल। क्या करेंगी? जितना पूछा उतना जवाब दो ना। ए? नहीं हमारे कहने का मतलब ये है कि जितना पूछ रहे हो उतना ही जवाब दो ना। हमारी जवानी दिन का 250-300 पकड़ के चलो, त्योहार के दिन 500 तक बेचती है। अच्छा एक वड़ा पाव का 10 रुपए, हाँ तो दिन में 250 मतलब हो गए 2500। तुम्हारी जो लागत है तुम्हारी जो मेहनत है वो सब हटा के तुम्हारा दिन का मुनाफा हो गया 1000 रुपए, सही ना? हाँ। आपके पास कितने पैसे निकालिए? पर आप क्या कर रही हैं? निकालिए तो सही। ये देखो ये पूरे 2000 रुपए, तुम्हारी एक दिन की कमाई के दुगने। रखो रखो, कायदे से आज के पूरे दिन पर हमारा अधिकार है, हाँ तो बिना बकवास किए पहले हमारी बात सुनो फिर फैसला ले लो तुम्हें क्या करना है, ठीक है? ये क्या लगता है क्या रे तुम लोग को कि मैं इतनी बिकाऊ है कि तुम लोग सुबह सुबह पूरे दिन का कमाई मेरे हाथ में रख दोगे तो मैं तुम लोग की हर बात मानेगी? मानेगी ना बोल। ऐसा तुम्हें रोज मिले तो? रोज बोले तो? रोज बोला। अरे मतलब क्या? अच्छा मतलब ये कि अगर तुम हमारे साथ लखनऊ आती हो तो हम तुम्हें दिन के रोज 2000 रुपए देंगे। कोई मेहनत नहीं, कोई झकझक नहीं। इधर शाम हुई
उधर 2000 तुम्हारे हाथ में, बोलो मंजूर है? दिन का 2000? हाँ। मंजे महीने का 60,000? महीने का 60,000? क्या हुआ दीदी, सब ठीक तो है ना? ए तू कब बस रहे, ए नक्की बोल रहे हो ना, मजाक तो नहीं कर रहे ना मेरे साथ? उधर जाके पलट गए ना तो मैं बहुत बम मारेगी। नहीं, महीने का 60,000, सोचो सौदा बुरा नहीं है। महीने का 60,000, कहाँ से देंगे हम 60,000? हाँ हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस एक बार वो हमारे साथ लखनऊ आने के लिए तैयार तो हो जाए। अरे पर 60,000, आप समझ रही हैं मेरे को? और कोई रास्ता है हमारे पास मैडम सर के हत्यारों तक पहुँचने का? यही है जो हमें उन तक पहुँचा सकती है, और इसके लिए अगर हमें हमारा सब कुछ बेच कर भी इसे लेके जाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। चलिए, तो क्या सोचा है तुमने? दिन का 2000 नक्की? हाँ, नक्की। रोकड़ा देगी? रोकड़ा रोकड़ा रोकड़ा। हाँ हाँ हाँ, कैश। और ये चटक चांदी कोई घपला नहीं करेगी? नहीं। बोल विट्ठल की कसम। हाँ हाँ, विट्ठल की कसम। तो चलो चलो फिर, चली रे चली, मैं लगना चली, अभी देखो क्या मत एक नंबर लगन बनाएगी मैं। ए हट रे, नहीं चाहिए तेरे भाजी, मैं जा रही हूँ लखनऊ, चल माता रही। आजा आजा। ए दादा, अरे उर्मी को देखा है क्या? नहीं भाई। ए क्या है यार तू भी, ए भाव उर्मी को देखा है? नहीं। अरे मालूम है वो किधर नहीं रहेगी, वो सिर्फ यहाँ पे है अपन के दिल में, उसके नाम का टैटू बना के रखा यहाँ पे, ऐसा यहाँ पे करेगा अपन। अरे मोहब्बत ही अपना किया है, मोहब्बत ही अपना जहां है, कोई बताएगा मेरी उर्मी कहां है? वाह 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 वाह। अरे थैंक यू भाई लोग, थैंक यू। आज प्रपोज डे है, प्रपोज डे। देख जितना मोहब्बत करते हैं उतना बड़ा ग्रीटिंग है। ए बैटरी, अपने उर्मी को देखा है? उर्मी? हाँ। वो तो गई। किधर? लखनऊ। अच्छा लखनऊ, किधर? लखनऊ। बंद करा ठंडी, ठंडी में कैसे काम करते रहे थोड़ा जाओगे ना मेरा? क्या मस्त रहे, कितना बड़ा घर है मुंबई में, इतने बड़े घर में तो अक्खी बस्ती बनेगी। मस्ते मस्ते, ये तो मैं, ये हसीना मैडम। हाँ भाई, मुझे इतना बड़ा घर ये मेरा हुआ, मैडम सर का घर है ये। आयला, मेरे को ही हसीना मैडम बना के लाए ना तुम लोग, तो मेरे आए हुआ ना, क्या तुम लोग खाली पीली रे? तुम लोग देखो इससे ज्यादा ठंडी हुई तो चुप रहो, संभाल के। पापा उठ के तुम लोग अंदर आओ, अंदर आओ जल्दी जल्दी। माफ कर सकते हो, मना किया था ना, यहाँ कहाँ आए? नहीं वो मैडम से की हम शक्ल देखना था, तो फिर हमसे रहा नहीं है। कहाँ है वो? कहाँ है वो? कहाँ है वो? वहाँ बैठी है, जाओ देखो। अरे ये तो चौकीदार लग रही है। ए टकलिया, मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, बहुत देखा देखा है ना, हूबहू मैडम सर। हाँ, हमने भी जब पहली बार इसे देखा ना, हम भी धोखा खा गए थे, है ना, बनी बनाई मैडम सर, मगर सिर्फ शक्ल ही मैडम सर से मिलती है, बाकी एक भी गुण नहीं। वैसे देखा जाए तो मैडम सर के शरीर में रावण है, रावण। सॉरी
सुनो, ये है बिल्ला, सुचिता है, वो संतोष। किसने रखा ये इधर? किसने? देवारे संतोष मैं हूँ, लेकिन संतोष तो लड़के का नाम होता है ना? लड़कियों का भी होता है, मेरा है। तू जब भी आई तो तेरे आई बाबा ने देखने से पहले तेरा नाम लिख दिया था क्या? अच्छा तो फिर हाँ कौन? चीता चतुर्वेदी है हम। चीता जी। अरे तो फिर बिल्लू कौन है? मैं आई एम बिल्लू द स्पाई। बिल्लू? अरे चाइला, जिसका नाम संतोष होना चाहिए था उसका चीता है। अणि हाँ तुझा है ब्लैक पेंथर, हाँ बिल्लू है का? अणि ही एक मिनट, एक बात बता मेरे को, तू पहले से ऐसी है कि बाद में सफेद पेंट करा है? पक्का है रे? अरे देवा कुठे फसल रे मला, अभी तू ही बचा मेरे को। मस्त। अरे क्या देख रहा है? का 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 सफेदी की चमक जरा इधर आओ, आओ। ए तू पकड़ 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 पकड़। खरे सांगा मैं, तेरा हसीना मैडम के साथ चक्कर चल रहा था ना, है इसका चल रहा था ना लफड़ा है ना हसीना मैडम के साथ? नहीं नहीं मैं एक्टिंग करेगी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मिनट, कुछ भी बोले जा रही है, कुछ पता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारा मैडम सर के साथ। काय के लिए नहीं? ए मातारी एक सांग माला, ये हसीना वाली का किसी से लफड़ा भिफड़ा नहीं था क्या? काय के लिए? अगर मेरे जैसी दिखती है तो बॉयफ्रेंड तो रासे था। बॉयफ्रेंड कौन? नहीं था, नहीं मैडम सर का किसी के साथ कोई लफड़ा विफड़ा नहीं था। हाँ और अगर था भी तो उससे तुमको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तुम्हें यहाँ लाया गया है मैडम सर का जीवन जीने, उनका जीवन दिया नहीं गया है तुमको, समझ लो हमारी बात को। यहाँ पर आके मैडम सर से वास्ता रखो, उनके व्यक्तिगत जीवन से नहीं, ठीक है? जो काम के लिए आई हो वो करो। हाँ। चलो काम पे लग जाओ। दो घूट ले और जरा ठंडा हो रहे जरा, ये रागा दस्ते में काम भी नहीं बाद में, अभी धंधा खत्म पार्टी चालू। थैंक यू काका। सॉरी उस तरफ बाथरूम है, इधर बोर्ड लगाने का ना कि बाथरूम उधर है। तो जिसका था उसको वापस करना चाहिए ना। हाय पुष्पा जी। पूरा का पूरा पवा गटक गई वो, ये भी नहीं सोचा कि आज ड्राई डे है, डबल रेट में मिलेगी, ब्लैक में मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी मालूम नहीं। माँ सही बोल रही थी, ये उर्मिला महादेव मात्रे है मैडम सर की हम शकल। बोल तो आप एकदम सही रहे हो चीते, ये चेक करके करिश्मा मैडम की टेबल पे रख देना। नानी मतलब उसकी जुबान देखी आपने पिल्लू जी, इतनी तेज थी, एकदम नॉन स्टॉप खचर खचर बोले जा रही थी वो, कैसे कैसे बनाएंगे उन्हें मैडम सर जैसा। मेरा पौवा पी गई। क्या हुआ चीते? माँ क्या हुआ? हम ना संतु जी, हम ना शर्मा रहे हैं, खुशी से लबरेज हुए पड़े, खुशी के मारे हम फूला नहीं समा रहे। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो मुंबई की मिर्ची ने इसका हाथ पकड़ा था ना, तो खुशी के मारे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। क्या बात कर रहे संतु जी, क्या बात कर रहे संतु जी, बिल्कुल नहीं संतु जी। अरे वो मैडम सर है संतु जी, और मैडम सर को हम अपना आदर्श मानते हैं, भगवान समान है वो हमारे लिए, और हमारे लिए हमारे मन में मैडम सर के हमशक्ल का भी वही इज्जत है जो मैडम सर के लिए था। हम तो शर्मा इसलिए रहे थे क्योंकि क्योंकि आगे क्या, क्योंकि पहला बार कोई हमको बॉयफ्रेंड मटेरियल समझा है संतु जी। नहीं तो जैसा हमारा हाल था ना, हमको तो लगता था कि हम इस धरती पर राखी बंधवाने के लिए और बुढ़ा लोग को सड़क पार करवाने के लिए ही पैदा हुए हैं। पहला बार हमारा आत्मविश्वास ऐसे एकदम आसमान फाड़ा है ना कि हमको लगता है कि हम भी किसी का बॉयफ्रेंड बन सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तो थोड़ा कम भाव का। आपको ऐसा नहीं लगता है तो क्या हुआ संतु जी? वैसे बाकी सबको लगता है, इन जनरल सबको लगता है, बिलो टेबल
हाँ, इन जनरल इन स्टोर तुम दिखती ही हो। ऐसे लगता है कि जनरल स्टोर के दरवाजे के पीछे खड़े हो, हमारे लिए दरवाजा खोल कर बोल रहे हो, एट योर सर्विस। जब भी मुंह खोलेगा गोबर रखेगा ना। सही बोलना बिलोटा, हम किसी का बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते क्या? वो पता नहीं, लेकिन ये उर्मिला महादेव मात्रे मैडम सर बन ही नहीं सकती, कटे नहीं। ठीक है, ये तुम्हारे आज के पैसे। अब तुम्हें मैडम सर के तौर तरीके सीखने हैं। मैडम सर कैसे बैठती थी, कैसे खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे सबसे बात करती थी, ये सब तुमको सीखना होगा। उसके लिए तुमको देना होगा हमें प्रॉपर ट्रेनिंग, समझ रहे हो हमारी बात को? इस ट्रेनिंग में सबसे पहले तुमको यहाँ लैपटॉप पे दिखाया जाएगा कि मैडम सर कैसे क्या करती थी, उसके बाद संतु चीता तुमको करके दिखाएंगे, ठीक है? ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए, प्रॉपर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग अनिमी, अरे पर्दा फाड़ एक्टर है मैं। गरीबी और भूख इंसान को एक्टर बना ही देती है मैडम। आज भी अखे दादर में एक कार्यक्रम नहीं है जो उर्मी के ठुमके के बगैर चालू नहीं होता। इधर टेप शुरू, इधर ठुमका चालू, और खाली डांसिंग नहीं है। तुझ मजा नवरा, सौतन बनी चुड़ैल, ये दो सुपर हिट नाटक में हीरोइन का काम किया है मैं, टेंशन नहीं लेने का। रिहर्सल की जरूरत अपने को नहीं है। आज भी अपन 40 से गुजरता है तो लोग बोलता है आली रे आली, प्रियंका आली। प्रियंका गांधी देखो, लोग बोलते हैं कि अपन साइड एंगल से एकदम प्रियंका चोपड़ा लगते, लगती कि नहीं? लगती कि नहीं? बोल, नहीं तो जाएगी मैं वापस। बस क्या, इसलिए मैडम टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। तुम आवाज करो, मैं हसीना का पसीना निकालेगी। तुमको मालूम भी है हसीना मैडम क्या है, क्या चीज है वो जो तुम उनका पसीना निकालोगी? सात जन्म भी ले लोगी ना तो भी उनका नाखून टच नहीं कर पाओगी, ये है हसीना मैडम। ध्यान रखना, भगवान ने तुम्हें सिर्फ शक्ल दी हसीना मैडम की तरह, समझी? जो तुम्हारा ऊर्जा पूर्जा है ना वो किसी और फैक्ट्री का है, इसलिए काम पर ध्यान दो तुम। संतु इनको वीडियोस दिखाओ हसीना मैडम की। जी बैठ जाओ। सला सफेदी की चमक दाखवा। चलो रेडी, मुंडी ऊपर, हाथ एकदम ऐसे नीचे, और ऑफिसर की तरह चलना, ठीक है? मैं मैडम सर के तौर तरीके सीखने हैं। मैडम सर कैसे खाती थी, कैसे चलती थी, कैसे सबसे बात करती थी, ये सब तुमको सीखना होगा। अब तुम्हें उनकी तरह बोलचाल सीखनी है मैडम सर, जिस तरीके से मैडम सर तुम्हारी तरह तू तड़ा करके बात नहीं करती थी, तहजीब और तमीज से बात करती थी,
खाली उन लोग से तुम लोग से बात नहीं करती थी? नहीं नहीं, मतलब तहजीब और तमीज, मतलब ये बात करने का तरीका होता है। आप आइए, आप बैठिए, इसे तमीज से कहते हैं। उनकी जबान जो थी ना बहुत साफ थी। अपनी भी है? ऐसी साफ नहीं, मतलब तुम्हारी तरह जुबान पर मिर्च मसाला रख के बात नहीं करती थी, समझ रही हो? तो ए टकलिया, अब चाह बरोबर कब भी खाएगा क्या? महतारी कुछ सिखा रही है ना, सीखने दे चुपचाप। छोड़ो तुम, छोड़ो। हाँ, तो तुम्हें वो करके दिखाना है, ठीक है? अब पहले हम करके दिखाते हैं वो किस तरीके से बात करती थी, ठीक है? तजुर्बा कहता है हमारा, बीमार पेड़ का इलाज उसके पत्ते छांटने से नहीं होता, बल्कि जड़ से किया जाता है, समझ रही हो? हाँ, तो तुम करके दिखाओ। हो, सोपे बैठ। तरबूजा कहता है हमारा, बीमार झाड़ को उखाड़ने का तरबूजा नहीं, तजुर्बा। तजुर्बा जनी जज, तजुर्बा। तजुर्बा माँ, ये आजूबा कहाँ से ले आए? ए टकलिया, चप्पल रखो, चप्पल रखो। अरे बार बार ऐसे चप्पल निकालना अच्छी बात नहीं है। पहन लो पैर में फिर से, प्लीज। उड़े जहाज का पंछी उड़कर चाहे कितना भी दूर क्यों ना चल जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। जहाज का पंछी उड़ गया? नहीं नहीं नहीं, जहाज नहीं, जहाज। ओइच तो बोल रही है जहाज। उम्रिला जी, जहाज, जहाज। फिर ज, जहाज। ये तू ज्यादा ज जब अटकेगी ना अभी तो मेरी सटकेगी फिर। वही तो बोल रही हूँ मैं, जहाज। इधर का उधर हुआ कि क्या फर्क पड़ता है? तुम ये बोल के दिखाओ, काकी ने काकत से कागत, कातरी ने करा करा कापले। काकी ने काका चा कुतरिया। बहुत हंसी आ रहा है शांतो जी। उर्मिला जी, देखिए आपको ना हर चीज को ना जज्बात के नजर से देखना होगा। क्या है कि मैडम सर जो थी ना, वो हर चीज को जज्बात के दृष्टिकोण से देखा करती थी। दृष्टि बोले तो? दृष्टिकोण, दृष्टिकोण, नजर, नजर, दृष्टिकोण मतलब नजर। अरे हर कोने से मेरी नजर तो तेरे पे ही चची था। अरे इतने सारे लोग में तू ही तो अकेला मर्द है जिससे मैं थोड़ा गुटरगु कर सकती हूँ। अच्छा खरा खरा सांग बोला, शादी बनाए क्या तू? पगार कितना मिलता है तेरे को? 35,000 से कम होएगा तो नहीं चलेगा। अपने को दादर ईस्ट स्टेशन पे एक मस्त गाला खरीदने का है, 2 साल में पैसा डबल, लोन खलास, बोल चलेगा? मैडम क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हैं आप? इश्क, आप सीधा सीधा मैडम सर जज्बात सीखिए ना, आपके भाषा में कहते हैं फीलिंग, फीलिंग सीखिए। आइए इधर, आइए इधर। गाबरेट कहता है हमारा कि बीमार झाड़ का, नहीं नहीं झाड़ने झाड़ने, बीमार पेड़, बीमार पेड़ का इलाज करने को ताबड़तोब उसके नीचे जा, नीचे नीचे नहीं निकालते, जड़, 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 हाँ, उसके जड़ में जाके बीमार झाड़ का पत्ता उड़ाने का। अरे नहीं होएगा मेरे से, कौन बोलता है ऐसा? और वो झाड़ को इतना प्रॉब्लम है ना, तो उसको तेरे वो जहाज पे बिठा समुद्र में ले जा और विसर्जन कर दे,
खाली पीली। अम्मा हटाओ इसको, हटाओ ये सब, क्या चल रहा है ये सब, हाँ मजाक लग रहा है तुमको ये सब, हटाओ ये अभी हटाओ। अरे कशला काय को, क्या मस्त लग रही है, मैं देख एक नंबर। वो देख तेरी ए तेरी हसीना पुसली बम, कान में कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, एकदम ऐसी रूखी सूखी, क्या मजा आता है इसको देख के। मैं मेरे को देख क्या मस्त लग रही है, मैं दागीने बीगीने सब पहन के। अभी थाने में औरत लोग आएंगे कंप्लेन लिखाने को, अपने दागीने के बारे में बात करना चालू कर देंगे ना, कंप्लेन साइड में केस सॉल्व एक नंबर। मैं बता रही हूँ असली हसीना मई चे, ये तो खाली नाम की हसीना है, सस्ती और ना टिकाऊ, चली भी नहीं मर गई। अम्मा ओ आइंदा मैडम सर के बारे में कुछ भी बोलोगी ना तो सोच समझ के मुंह खोलना, समझ के यही सही रहेगा तुम्हारी सेहत के लिए। तुमको यहाँ लेकर आए हैं हम, ठीक है, तुम हमारी जिम्मेदारी हो, इसलिए हम तुमको कुछ कह नहीं रहे, वरना दो कर जमीन के अंदर दबी हुई होती अभी तुम, समझी। मजाक लग रहा है तुमको, तफरी चल रही है यहाँ पर, हाँ गंभीरता समझो तुम इस सिचुएशन की। तुम्हारे लिए ये 2 मीटर का कपड़ा होगा ये खाकी, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है, हमारा मान सम्मान, हमारा अभिमान सब कुछ है, समझियो हमारी बात को तुम। ये जो तुम अपने घर में पौवा लगा के सोती हो ना आराम से, ये इसलिए सो पाती हो क्योंकि ये खाकी तुम सबकी रक्षा करने के लिए बाहर होती है। तुम घर के अंदर सेफ रहो इसलिए हम बाहर होते हैं। तुम्हारा ये ठेला जो तुम लगाती हो, ये रात भर बाहर रहता है, इसकी रक्षा कौन करता है, हाँ इसकी रक्षा भी ये खाकी करती है, समझे तुम। ए, 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 कुछ भी क्या बोलती, उर्मी सुन के नहीं लेती किसी का भी। अच्छा अरे मैडम इतना टेंशन काय को लेने का, मैं कर रही है ना, मैं कर रही ट्रेनिंग, ये देख मैं सब पहन कर आई अच्छे से, मैं बोल के भी दिखा रही, अभी इससे ज्यादा क्या करूं मैं। ए देखो सुन लो, मैं अपना जो अपना धंधा पानी अपना सब बंद करके माउली को उधर अकेला छोड़ के इसके लिए नहीं आई कि तुम लोग की ऐसी शक्ल देखूं। 2000 देते हो मेरे को, 2000 में इतना ही चोता है, जमता है तो बोलो, नहीं तो जा रही मैं वापस, संभाल लो, ढूंढ लो किसी और को, खल्लास। हाँ जाओ तुम अपने शहर चली जाओ, वहीं अच्छी हो तुम, वहां रोज पुलिस के साथ तुम्हारी जय जय है, आधा दिन हवालात में आधा दिन अपने ठिए पर, वही म्युनिसिपैलिटी का टेंशन, हफ्ते का टेंशन, तुम्हारे लिए यही सब अच्छा है। एक अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, वर्दी पहनने का सम्मान मिल रहा है तुम्हें, मगर तुम्हें यह मौका नहीं चाहिए, तुम्हें इस मौके की कदर नहीं है, क्योंकि पता है तुमको इस वर्दी के लायक ही नहीं हो तुम। ए महतारी दिमाग का भाजी पाव करने का नहीं, नहीं तो, नहीं तो क्या, क्या नहीं तो, इस तरीके से बात करते बड़ों से तू तड़ा करके, कुछ संस्कार नहीं दे तुम्हें घर वालों ने। ए, बहुत संस्कार है मेरे में, मैं फुल संस्कार और ईमानदारी के साथ ही अपना वड़ा पाव का ठेला चलाती है, तभी तो 1000 रुपए कमाती है दिन का। अपनी कमाई की झोंस किस पे जमा रही हो तुम, हम पे, हमने तुम्हारा पूरा हिसाब किताब देख लिया है कमाई का, 1000 रुपए कमाती हो तुम और हम तुम्हें 2000 रुपए दे रहे, और वो भी कैसे दे रहे, हमारे पेट काट काट के हमारे पूरे महीने का हिसाब बिगाड़ के, वो सिर्फ हमें ही पता है। चीते अभी अभी इसे स्टेशन छोड़ के, अभी निकलेगी तो 10:30 बजे की ट्रेन भी मिल जाएगी इसे, जब से आई है बस सर पे चढ़ के बैठी है। 2000 रुपए दिए ना तुमको, वो तुम्हारे पास रखो, नहीं चाहिए हमें तुम्हारे एहसान। जाओ जा, क्यों ले रही हो, जा। अच्छा गावत बड़ा पावन, क्या सॉलिड आल्टर मेरे तू ले भारी। हे तेरे जैसी सास होएगी तो ससुराल में क्या मजा आएगा, तेरे को बहुत मजा आता होगा नहीं। और सुन आइटम, उसकी सास है मेरी नहीं, ये मत समझना कि तू बोल रही है इसके लिए मैं रुक रही है, उर्मिला अपने मन की मालिक है और कभी भी कोई भी काम ऐसा अधूरा छोड़ के नहीं जाती है, इसलिए जब तक तुम लोग का ये मच खत्म नहीं होता मैं इधर ही चलेगी तेरे नाक के नीचे। क्या हो जाएगा पुष्पा जी, क्या सोच रही हैं आप, हाँ कांटों के झाड़ पे क्या फूल उग जाएगा, नहीं सुधरने वाली है, ऐसी की ऐसी ही रहेगी, छोड़ो हमारे इकट्ठा। क्या नहीं हो सकता करिश्मा सिंह,
तजुर्बा कहता है हमारा कि बीमार पेड़ का इलाज कभी भी पत्ते छाटने से नहीं होता, उसके लिए हमेशा जड़ को ठीक करना पड़ता है। तेजाब से कभी भी जख्म धोए नहीं जाते, जख्मों पर हमेशा मरहम ही लगाना पड़ता है। इंसान वही जो पथ का पक्का, ईमान वही जो सच का पक्का, और सच की हिफाजत करने की शपथ ले तभी जब तेरा इरादा हो पक्का। ऐसा किया ना पर्दा फाड़ परफॉर्मेंस। क्या बोली थी मैं? टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। बहुत बढ़िया किया तुमने, तुमने रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट सीनियर है मैं तेरी, आपने तेरे को चलेगा क्या आइटम? नजर उतार, अपनी नजर उतार, आज से मीटर चालू। चले मैडम सर, चलिए। हसीना मलिक वापस आ गई है, ड्राइव हासिल करो और मार दो हसीना मलिक को, और इस बार किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। वड़ा पावात, जय हिंद मानस। हाँ हाँ हाँ, जय हिंद जय हिंद जय। अरे बाबा विठ्ठला, इतना बड़ा थाना, अरे ये थाना कम तावड़े भाव का मैरिज हॉल जास्ती लग रहा है। नहीं ये वैसे इतने बड़े थाने में तुम पांच ही लोग काम करते क्या? अरे आधा थाना फिर भाड़े पे चढ़ाने का ना, 15,000 तो मैं ही निकाल के देगी इसका। छोड़ो जानते हो, अभी तुम लोग को क्या मैं धंधा सिखाऊं, खाली फुकट में अपना ही दिमाग खराब कर रही है। यार हमें तो लग रहा था कि हसीना मलिक लुढ़क गई, ये क्या, ये तो थाने आ रही है। कोई बात नहीं, अभी चलते हैं, उठाते हैं इसको, हार्ड डिस्क बरामद करते हैं, लगा देते हैं ठिकाने। अरे नहीं रे, भूल गए कैप्टन ने क्या बोला था, इस बार कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। हसीना मलिक को हम उसी वक्त उठा सकते हैं जब वो अकेली होगी, इस वक्त करिश्मा सिंह उसके साथ है, ये भारी पड़ सकती है। तो क्या ऐसे देखते रहें? करिश्मा सिंह तो हसीना मलिक को एक मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ती, 24 घंटे कुंडली मार के रहती है उसके चारों तरफ, घर में रखा हुआ है। मन तो करता है ना कि उसे दोनों के दोनों को ठोकते मिले, तो मौका मिले ना मिले। जा जा अभी जा, दिमाग खराब है क्या तेरा? पुलिस स्टेशन है, मार्केट है, खुद का करियर तो बर्बाद करेगा ही करेगा, मेरा भी करेगा क्या? थोड़ा सब्र कर, यहीं रुकते हैं। हमें हेडक्वार्टर से फोन आया, हम आसे होकर आते हैं, इनको सब समझा देना, ठीक है? जी मैडम। जी मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद मैडम। जय हिंद। टाटा मैडम। ये वैसे तुम लोग का थाना बाहर से मस्त चकाचक लगता है। बाहर से मतलब आप तो ऑलरेडी अंदर खड़ी है ना? अरे मेरी सफेदी की चमकार में डायरेक्ट अंदर जाती ना सीधा लॉकअप में, इसलिए बीच का सब देखने का कभी टाइम नहीं मिला अपने को। मस्त बना इंटीरियर इंटीरियर खर्चा किया है तुम लोग ने। ए? क्या रे टकले तो अंदर कैसे?
चोर है वो, चोर है। हाँ? जी चोर था अभी इन हाउस हूँ। तू चोर है मतलब मेरे आने से पहले ही चोर आ गया? अरे इसी का तो इंतजार था डार्लिंग। माँ ये आप अंदर आके क्या कर रही है? देख अभी क्या है, मैं है पुलिस, तू है चोर, तो स्वागत करना तो बनता है ना। एक मिनट काय झाला? देखो मेरे को अच्छे से मालूम है कि पुलिस बात कम करती है और लाज जास्ती मारती है, वो इश्तो कर रही है। मैं पुलिस है तो उसका स्वागत करना तो बनता है ना, और इतना ट्रेनिंग दिया मेरे को, थोड़ा फायदा उठाने दो का। एक मिनट, अरे वो चोर था, अब चोर नहीं है वो हम लोग के थाना का मेंबर है और केस को सॉल्व करने में हम लोग का मदद करता है, समझिए आप। हाँ इधर तो चोर भी पुलिस है। सुन तू नहीं छोड़ेगा तो मैं भी नहीं छोड़ेगी, मेरे को चलता है। तो सुन नहीं मारेगी मैं, अरे बोला ना नहीं मारेगी, डांटो मत। सॉरी बबलू, बिल्लू हाँ। सॉरी अपने को मालूम नहीं था क्या कि तुम इधर का इन लोग का इतना स्पेशल गेस्ट है? हाँ। वैसे तो उर्मिला कभी कोई गलती करती नहीं है, पर करती है ना तो सॉरी भी फटक से बोलती, इसके लिए सॉरी। फ्रेंडशिप देगा? फ्रेंडशिप हाँ, फ्रेंडशिप माँ वीग और बाम मंगा लेना। हाँ मिलेगा सब मिलेगा। आज से अपन दोनों फ्रेंड्स, अभी सोमवार बुधवार और शुक्रवार दारू का इंतजाम तू करेगा अपने लिए, है? मस्त दोनों दोस्त जेल के अंदर बैठेंगे और गल्ला गीला करेंगे। हाँ। और फिर बैठकर पूरी दुनिया की मदर सिस्टर एक करेंगे। हाँ हाँ। और पैसे क्या रे, दोस्तों के पैसे मांगता है? क्या फायदा इतनी बड़ी वर्दी पहनने का जब पैसा लगाना पड़े तो? आज से नो खर्चा खाली चर्चा, क्या बोलती पब्लिक? तो ये हमारी मैडम सर का केबिन है। अल्लाह इसमें तो मेरी आधी बस्ती आएगी रे। जी क्योंकि करिश्मा मैडम अब नहीं है यहाँ पर, तो आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कुछ भी बोलना हो तो आप मुझसे बोल सकती हैं। नक्की कुछ भी? जी। हाँ बढ़िया। दो बात, इस चेयर पे आप हरगिज नहीं बैठ सकती हैं और इस केबिन से भी बाहर नहीं निकल सकती हैं। अरे तो किधर बंदा नहीं अपने को, तेरी हसीना मैडम बहुत आराम करती थी क्या? नहीं मस्त पैसा सोफे का सेटिंग करके रखे ला, कुर्सी पे नहीं बैठ सकती, इधर लेट सकती है डार्लिंग। अभी बोल। हाँ और आपकी गालों पे जो डिंपल पड़ता है वो बचपन से हमारी मैडम सर की तरह? ये भी तेरी करिश्मा मैडम पूछ रही है? नहीं ये मैं पूछ रही हूँ। अच्छा नहीं रे, बाद में म्युनिसिपैलिटी वाले आके खड्डा करके गए। अरे बचपन से ही चोएंगा ना एडी, कौन बाद में खुदवाता है। एक बात बता मेरे को, तू अभी बोली कि अगर मेरे को कोई काम होएगा तो मैं तेरे को बोलू। हसीना मैडम की सेटिंग का नंबर है क्या तेरे पास? उनके बॉयफ्रेंड का हैंडसम है क्या वो? जी है। किधर है अभी? ब्रेकअप हो गया। क्या कैसी बोरिंग है रे तेरी हसीना मैडम, मुश्किल से एक लड़का मिला उसके साथ भी सेटिंग खराब कर दिया। ला मेरे का नंबर दे, मैं उसके साथ वापस मस्त वाला सेटिंग बिठाएगा, माहिर है मैं इसमें। नंबर तो दे तू, देना देना। ए सफेद की चमकर, देना नंबर। नहीं दे, दे, देती क्या रे? ए क्या रे तू, इतने पास नंबर नहीं है। जय फूड कौन है? जय जय जय। हाँ जय। मैडम सर इतने दिनों के बाद आपको थाने में देख के इतनी खुशी कि हम बता नहीं सकते। मत बताओ। मैडम सर कब से इंतजार कर रहे थे आपका हम, और आपके बर्थडे पर बर्थडे विश भी नहीं किया तो आज आ गए विश करने। हैप्पी बर्थडे मैडम सर। ये तो मैं हम पहचानते हैं इस एक्टर को, आप वो कर रहे हैं ना वो चंकी पांडे। छोड़ दो मिमिक्री छोड़ दो। चला वो एक महीना मैडम सर की पोस्टिंग मुंबई में थी ना। हाँ तो थोड़ी बहुत वहाँ की भाषा चढ़ गई मैडम सर को। हाँ चाइला चाइला बोलना चाहती है वो, लेकिन आइला आइला सुनाई दिया होगा, है ना? हाँ लेकिन वो चाय मांग रहे, चाइला चाइला। हाँ और मैडम सर ये जो है इकबाल बदनाम बाहर बिरयानी और चाय की दुकान है ना, तो पिछले हफ्ते का जो बिल है वो उनके पैसे मांग रहे हैं।
अच्छा अच्छा, तो इनको पैसा मांगता है? चाहिए इनको पैसे चाहिए तो दे दो, आपके ड्रॉवर से दे दो। हाँ दे दो जी। ये लीजिए। हाँ हाँ, गिन गिन बराबर गिन। ओ मैडम सर बोल रहे कि चाय ला, चाय लाओ। हाँ ले क्या ना। हाँ ले आइए। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये क्या, क्या कड़क, क्या कड़क एक्टिंग करती है। मैं एक नंबर, बहुत कड़क। आप प्लीज केविन से बाहर मत जाइए, ठीक है? और मैं चाय भिजवा दूँ, आप बैठिए। तू काहे के लिए टेंशन ले रही है, वो बदनाम लेकर आएगा ना, तू हल्की रहे। हाँ मैं इधर एकदम आहा अच्छे से सेट। अभी इस बार बच नहीं पाएगी हसीना मलिक अपनी मौत से। इतना हुआ था? अरे एक बाल उधारी मिल गया, माँ का बाप का दादा का सबका उधारी मिल गया, बहुत मजा आएगा। जय हो, जय हो मैडम सर, जय हो। हम अपने बांटते हैं, चलो। मैडम सर आप तो अंदर थी, अभी तो बाहर कैसे? ओ अंदर बाहर चलता रहता है अपना, हमारा वो हमारी बात अधूरी रह गई थी ना, वो पूरी करनी है हमें। मैडम कौन सी बात? अरे बस क्या, अपने हैप्पी बर्थडे की बात। अभी आप दोनों ने हमें अंदर हैप्पी बर्थडे विश किया। हाँ मैडम किया, किया ना? किया मैडम, किया। हाँ, तो बदले में हमने थैंक यू बोला। हाँ बोला, बोला, हाँ, बोला, बोला। तो क्या मतलब हो गया, मतलब ऐसे ही सुखा सुखा बर्थडे क्या? अरे नहीं मैडम सर, मैंने आपको बर्थडे की अपना बदनाम स्पेशल चाय दे रहा हूँ मैं आपको। और हम आपको दम बिरयानी खिलाएंगे। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन अभी क्या है, बर्थडे है, विश तो ऐसा खाली कर नहीं सकते ना, तो गिफ्ट तो बनता है कि नहीं? हाँ बनता तो है, बनता तो है। तो कहाँ है? मैडम सर हम आपको क्या गिफ्ट दे सकते हैं? हाँ वही तो बताइए। अरे टेंशन लेने का नहीं, संतुलन बना के रखने का। मतलब ये कैश ये हमने ले लिया, यही हमारा गिफ्ट। अब इससे जो अपने को जो हमें अच्छा लगेगा हम गिफ्ट खुद ले लेंगे। हाँ इससे पहले करिश्मा सिंह आए इसको उठा लेते हैं। किसी को बताने का, किसी को बताना नहीं। अभी जाओ तुम लोग। अच्छा गावत। कटो। चलिए मैडम सर आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी। अरे जाओ। मना किया था ना बाहर आने के लिए, तुम क्या केबिन से बाहर आके ऐसे घूमती फिरोगी? मैडम सर क्या ये करती थी? हाँ सिर्फ चलना बोलना इससे मैडम सर नहीं बन जाओगी, उनका सलीका सी को उनका कुछ सलीका था, ऐसे घूमती नहीं थी वो। कौन है आप लोग? बक ये क्या पुलिस लोग किसी के पीछे भागते क्या? उठी उठी। हाँ सोने दीजिए ना। उठिए पुष्पा जी। उर्मिला कहाँ है? उर्मिला कहाँ है? उर्मिला हमें नहीं पता, हम तो सो रहे, कहीं वो भाग तो नहीं गई?
भागेगी कैसे? उसका सामान तो यहाँ पड़ा, क्या बिना सामान के भाग गई? यही है तो फिर कहाँ चली गई? कहीं उर्मिला किसी मुसीबत में तो नहीं? आराम से आराम से। हाँ ना, बोलिए नहीं बोलिए नहीं। पुष्पा जी, उर्मिला महादेव मात्रे, दिमाग क्या है भूसा तुम्हारा? तुम्हें मना किया ना हमने कि अकेले घर से या थाने से बाहर नहीं निकलना है, फिर इतनी आधी रात को तुम घर से बाहर क्या कर रही हो? कसली आधी रात फटाकड़ी, 4:30 बज रहे हैं, सुबह हो गई है। मैं और अक्षय कुमार साथ में ही उठते हैं, अलग अलग बिस्तर पे पर एक ही टाइम पे। वो क्या है ना, मेरे को ना सुबह सुबह उठ के कांदा बटाटा लहसुन कोथिंबरी सब खरीदने का आदत है ना। एक मिनट, मतलब तुम सुबह 4:30 बजे उठ के ये आलू सब्जी वगैरह लेने जाती हो? उठ के किधर, मैं तो रात भर सोई नहीं, रात भर बॉडी का ऐसा बुरा गुटपतरा हफ्ते उतरा ना, बहुत बाथरूम से बेडरूम, बेडरूम से बाथरूम, यही चलता रहा आखिर रात, मैं तो सोई भी नहीं। और क्या है ना, मेरे को ना ट्रेन की ना आवाज के बिना नींद नहीं आती है। जब तक कानों में आवाज नहीं पड़ती ना, उड़ेन स्टेशन दादर, अगला स्टेशन दादर, तक मेरे को ना नींद इचने लगती। अभी मैं क्या करूँ? अमाओ उर्मी, एक बात सुन लो, आज के बाद घर से बाहर अकेली निकलोगी ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ रही हो? ए फटाखड़ी, वैसे भी तेरे से बुरा कोई नहीं है, और समझा ना मेरे से आज के बाद ऐसा बात करने का नहीं। 2000 रुपए देते हो, उर्मी को खरीद नहीं लिया तुम लोग ने, गुलाम नहीं है मैं तुम लोग की, जो उठ बोले तो उठ, बैठ बोले तो बैठ, डील किया है अपने डील, इसके लिए मेरे को समझाने का नहीं ज्यादा। हाँ, शांत ओके, इनको फिक्र है ना तुम्हारी, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। फिकर मेरी बोले तो क्या लगती रही मैं तेरी, और मेरे को होएगा क्या रे? उर्मी को कोई हाथ तो लगा के दिखाए, उसकी पूरी जिंदगी का संतुलन बिगाड़ देगी मैं। ए, आएक, आएक, आएक। मेरे को कुछ हो जाता बोले तो क्या रे? ये क्या तुम दोनों का इधर लफड़ा चल रहा है? ये खरा खरा सांगा मला, ये मेरी जिंदगी डेंजर विंजर में तो नहीं है? मैं पहले ही बताती, मेरे को शहीद वीर नहीं होने का है। अरे अभी तो बबलू होएगा, पिंकी होएगा, जिंदगी में रोमांस चालू नहीं, उसके पहले तुम मेरा मानसी छोड़ा डालो। मेरी नहीं करेगी, खरा खरा सांगा माला, काय चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है, समझ रही हो हमारी बात को? और तुम्हारी जिंदगी डेंजर में नहीं है, तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, समझ गई? काय के लिए, तेरी मैडम तो मर गई ना, मेरी जिंदगी की गारंटी कौन लेगा फिर? बोलो बोलो। विठ्ठल माउली कसम, कुछ नहीं होने देंगे तुमको। अरे अच्छा गावत, विठ्ठल माउली कसम बोली रे। अभी ठीक है, अभी भरोसा है मेरे को, तुम नहीं जाएगी किधर? वो डंडे रे बाबा, कुल्फी जम गई मेरी तो, देवा देवा। ये क्या किया आपने? उसको झूठ बोल दिया आपने? आपको तो पता है उसकी जान को खतरा है, फिर भी आपने झूठा वादा किया? देखिए पुष्पा जी, मैडम सर के कातिलों तक पहुंचने के लिए हमें इसका सहारा लेना पड़ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस पे कोई आँच आने देंगे, समझिए आप हमारी बात को, हमारे प्राण चले जाएं, लेकिन हम इसको कुछ नहीं होने देंगे, हमने बप्पा की कसम खाई है, वो भी पूरे दिल से। मैडम सर को हम बचा नहीं पाए, लेकिन मैया कसम अब कुछ भी नहीं होने देंगे ऐसा। की जरूरत नहीं है अभी, क्या अभी भरोसा है तुम लोग पे? वैसे सच्ची बोलू, कड़क नोट की ना बात ही कुछ और है, और वो भी तब जब बिना काम के मिल रहा हो तो और ही मज़ा। मालूम था कि मेरे को मेरे इस मस्त थोबड़े के एक दिन बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन दिन के 2000 मिलेंगे ये नहीं मालूम था। थैंक यू। कह रहे माता जी कशी है? आइटम गाड़ी चलाने आता है तुमको? अरे बस क्या, अपनी गाड़ी को मैच तो लेके जाती है रोज नाके तक। नहीं, वो तुम्हारा थिया नहीं। मैडम ये पूछ रही कि वो पुलिस की जो जीप होती है ना, वो चलानी आती है कि नहीं? माता रे, आइटम
तेरी मैडम की मैडम कौन? मैं ना? तो फिर मैं काहे के लिए गाड़ी चलेगी? मैं ऐसा पीछे गाड़ी में बैठेगी, मस्त फैल के चाबी देगी इसको और बोलेगी गाड़ी चला, एसी मेरी तरफ घुमा और आगे बढ़, ऐसे ऑर्डर देगी मैं और वर्ग ने। ठीक है ठीक है ठीक है। ये का ये दही और पोहा, ये हम लोग नहीं खाते साथ में? आज मकर संक्रांति है ना, तो आज के दिन हमारे लखनऊ में दही चूड़ा और तिलगुड़ खिलाते हैं। अच्छा गावत वाला पाव आज मकर संक्रांति में विसर ले। अरे मौशी तिलगुड़ घ्या आणि गोळ गोळ बोला। मकर संक्रांति का दिन म्हणजे सुट्टी का दिन, आज के दिन कोई काम नहीं करता। ये जो हसीना मलिक है ना, ये अपन सब कल से करेंगे। अच्छा बताओ इधर पतंग किधर मिलेगा आसपास? पतंग? हाँ पतंग। अरे सोचना कितना मजा आएगा। तू फिरकी पकड़ के खड़ी रहेगी, तू कन्नी बांधेगी और मैं रपा रप पैसा करके एक एक पतंग काटेगी। नहीं 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 आई कई तुम लोग ना, ये लो आज का तुम्हारा पेमेंट वापस लो, लेकिन पतंग तुम्हें उड़ाएगी प्लीज। कोई जरूरत नहीं इसकी, पैसे रखो और तुम पतंग उड़ा, ठीक है? अरे माता री तू कितनी घोड़े रे, भगवान करे तेरे को 500 पोते हो और तू 100 साल जिए। चलो रे। कहाँ है पुष्पा जी? ये हसीना मलिक है वो पतंग वतंग? ये हसीना मलिक दुनिया के लिए है, मगर हम तो जानते ना कि ये कौन है। अब त्योहार है तो उसे मनाना तो पड़ेगा ना। और ये भी क्या याद रखेगी कि लखनऊ वालों से पाला पड़ा था उसका? हाँ लेकिन ये कैसे होगा पुष्पा जी? मकर संक्रांति लखनऊ में पहली बार, एक नंबर। मैडम सर 2 घंटा से आप पतंग उड़ा रही हैं, चलिए ना आप वापिस चला जाए, बहुत देर हो गया है। अरे चिकने रुक ना 2 मिनट, थोड़ा 2-3 पतंग और छोड़ी दे मेरे को। क्या धूप में खड़ा होके और गोरा होने वाला है क्या? तेरे को बोला ना शेवपुरी लाने को, जा ले क्या? मरा रहा साहब बाल उखाड़ देगी, जाओ तुम। बिलोटे ए छोड़, ए डील छोड़ ना, छोड़ छोड़ छोड़। करिश्मा मैडम, ये मैडम सर बदल दीजिए, नई लाइए, दूसरी लाइए। क्या दूसरी लाइए? अरे दिवाली का पटाखा थोड़ी है, जो एक नहीं चला तो दूसरा लेकर आओ। इंसान है और वो भी मैडम सर की हमशक्ल, ऐसे इंसान बार बार थोड़ी ना मिलते दुनिया में। ठीक है मैं वीक पहनकर मैडम सर बन जाता हूँ, तजुर्बा कहता है हमारा। अगर इतना ही आसान होता तो हम इस सरदर्द को मुंबई से थोड़ी ना लेकर आते। माँ मुझे लगा था मैं दुनिया का सबसे बड़ा चालू आदमी हूँ, लेकिन ये तो हमारी अम्मा निकली। उससे दारू मांगती है, पैसा मांगो तो बोलती है दोस्ती के खाते में लिखना। अरे कौन सा खाता, कौन सी दोस्ती, मेरे हिस्से खर्चा ही खर्चा और इनके हिस्से में मौजा ही मौजा, ये नहीं चलेगा, बदल डालो। हाँ पुष्पा जी आप जानती है मुझसे ना मेरी लिपस्टिक ली थी देखने के लिए, और जब मैंने वापस मांगी कि मुझे मेरी लिपस्टिक दे दो तो कहती है कि नहीं नहीं तेरे पे सूट नहीं करती। अच्छा ऐसा कहा? हाँ। कोई बात नहीं हम दूसरी लिपस्टिक ले लेंगे। नहीं नहीं पुष्पा जी आप समझ नहीं रही, दुख इस बात का नहीं है कि मेरी लिपस्टिक चली गई, हाँ दुख इस बात का कि वो कह रही मुझ पे सूट नहीं करती। आप बताइए मुझ पे सूट नहीं करती लिपस्टिक, ये देखिए। नहीं नहीं ये तो हाँ ये मैडम सर की हमशक्ल है ना, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ, वरना कोई और होता ना कटी पतंग की तरह लहरा रहा होता। बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त राम पाटे। क्या कर रही है आप? हमको आप पर नजर रखने के लिए कहा गया है, वही कर रहे हैं हम। मालूम मेरे को अच्छे से, जब से मैं आई तेरी मेरे पे इच नजर है। रख रख मस्त पाई की छान नजर रखा मेरे पे, खाली मेरी नजर तेरे पे पड़ गई ना तो देख फिर। पता है हमें बहुत बड़ा सरदर्द है ये आफत, हम तो उसे मुंबई से झेलते आए हैं, मगर क्या करें झेलना तो पड़ेगा ही ना। मैडम सर के हत्यारों तक पहुंचना भी है ना। माँ तब तक हमारी हत्या हो जाएगी।
समझा उसको, बदल डालो। समझाइए समझाइए। नहीं मैडम, सच में उनको समझाइए। अरे कभी भी कुछ भी बोल देती है, कभी भी कहीं पर भी छेड़ देती है, ऐसे ऐसे करके हाथ पकड़ लेती है। नहीं मतलब तो हम जरा सा हैंडसम क्या हो गया, पूरा जमाना चिरमिरा गया। संतु जी का क्या होगा? इट्स ओके। अमाओ कहाँ है वो? पतंग उड़ा रहे हो तो बाहर। तुम्हें कहा था ना अकेले नहीं छोड़ना उनको, तुम्हें समझ में नहीं आता है? और बाबू ये वहम है तुम्हारा? उधर उधर काटो काटो काटो। मैडम सर कहाँ है? मैडम मैडम सर यहीं पर थी, खिड़की भी वैसे ही पड़ा हुआ है नीचे। मैडम सर कहाँ है? मैडम सर को कहीं देखा है क्या? मैडम सर तो यही कहीं थे, पता नहीं मैडम। हमने देखा नहीं, हम तो बिजी थे इसमें। हे भोलेनाथ, उसको कुछ हो गया तो? गावा तभी इधर से कैसे निकालू रे पतंग, इससे तो मुंबई चच्चा है, इतने पेड़ नहीं है पतंग अड़कने को। शर्मिला नहीं है मैं लखनऊ का, उर्मिला मैं मुंबई की। हाथ अंदर डाल के ना आतड़ी बाहर निकालेगी। निकाल तेरा टोपी, निकाल तेरा टोपी। जय हिंद। SHO हसीना मलिक रिपोर्टिंग। अजय बख्शी, मैं ही तुम्हें तुम्हारी निश्चित मौत से बचाकर यहां लाया हूं। सवाल, चलो शुरू से शुरू करते हैं। तुम जिस सत्या चौबे से मिली थी, वो हमारा अंडरकवर एजेंट था। उसने मरने से पहले ये बताया कि वो हार्ड डिस्क जिसमें हमारे सारे एक्टिव सीक्रेट एजेंट्स की डिटेल्स है, उसने मरने से पहले तुम्हारी गाड़ी में छुपाई थी। लेकिन इससे पहले कि हम तुम तक पहुंच पाते, मीरा हैक हो गई, उसने तुम्हें शूट कर दिया। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हिसाब से मीरा को हैक करने वाला तुम्हारे थाने में से ही कोई है। नहीं सर, ये काम हमारी टीम में से कोई नहीं कर सकता। हम सबको बहुत अच्छे से जानते, वो बहुत ही सच्चे और ईमानदार लोग हैं सर। हसीना मल्लिक, हमारी ट्रेनिंग यही कहती है कि मुमकिन की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी वही होती है जहां सब कुछ नामुमकिन नजर आ रहा हो। सवाल नेशनल सिक्योरिटी का है, हम कोई चांस नहीं ले सकते। अब हमारा फोकस उस शख्स को ढूंढने में होना चाहिए जिसने मीरा को हैक किया, या कोई और तरीका अपनाएंगे देश को नुकसान पहुंचाने का, और हमें वो नुकसान होने से पहले रोकना है। जी सर, हम उन्हें रोकेंगे और इसके लिए हमें जो करना पड़े हम जरूर करेंगे सर। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहुरूपिया। तो आज से इस मिशन का नाम होगा मिशन बहुरूपिया। उर्मिला महादेव मात्रे, मुंबई की एक सीधी सादी मिडिल क्लास की लड़की। इस किरदार में खुद को ऐसे ढाल दो कि तुम्हारी अपनी टीम तुम्हें पहचान न पाए।
उर्मिला की बैक स्टोरी है, उससे रिलेटेड लोग हैं जो जस्टिफाई करेंगे, हमारे लोग जो तुम्हारी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में तुम्हारी मदद करेंगे। उर्मिला महादेव मात्रे पुराना, ये नाके पर ही वो वड़ा पाव की गाड़ी चलाती है, अपना खानदानी काम करती है वो। हसीना मलिक जी, अभी अभी दोनों आपका एड्रेस लेके निकली है, तैयार रहिएगा। बाकी हम कितना भी एयरटाइट प्लान बना ले, सारा दारोमदार तुम पर ही है कि तुम अपने इस नए किरदार को कितना कन्विंसिंगली प्ले करती हो। ठीक है सर, हम कर लेंगे। हाथ लाऊं दाखा माझ्या माऊलीला, इधर ही तुमको लेटा कि अंडा पावनी बनाए ना, तर मी पण मुंबईची असल मुलगी ना है। पीछे हट, एक फटका देगी नहीं तो तेरी। हे मौशी, इससे ज्यादा आंख फड़ेगी ना तो छोटे छोटे बच्चे तेरी आंखें निकाल के गोटियां खेलेंगे। पहला हफ्ता है तुम्हारा, कुंकू लगाऊं अभी तुमको। तुम देश के लिए कुछ करना नहीं चाहती हो? बिल्कुल नहीं। तरबूजा कहता है हमारा, उसके जड़ में जाके इतना दूर काहे के लिए खड़ा है, नजीका ना, बताते पूरी दुनिया को अपनी जोड़ी क्या मस्त राम पाटे। I'm sure हम अपने दुश्मनों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि तुम उर्मिला मात्रे ही हो। Congratulations। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर सच कहें तो अफसोस हमें सिर्फ इस बात का है कि हमारे इस झूठ का हिस्सा बहुत से लोग बन गए, बहुत से लोगों के लिए हम सच में उर्मिला हैं और शायद हमेशा रहेंगे। उर्मी, अक्का मुंबई जानते हैं अपुन तेरे पे कितना लव करता है, और तुझे सबके सामने अपुन का कचरा कर रहे लिए। बहुत से लोग इस झूठ को सच मानते हैं सर, सो क्या कर सकते हैं, जंग में दिल तो टूटते ही है। एनीवे, तुम ये सब भूल जाओ और अपने मिशन पे फोकस करो, और उस गद्दार को ढूंढ निकालो जो हमारे बीच रहकर खाकी पहनकर खाकी की ही इज्जत खाक में मिला रहा है। आप ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन honestly, हमें अब भी नहीं लगता कि ये काम हमारी टीम मेंबर में से कोई कर रहा है, लेकिन फिर भी यू आर राइट, हम अपना काम कर रहे हैं, हम दुश्मन को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। जानता हूँ आप पर भरोसा है। थैंक यू सो मच सर। गुड लक। जय हिंद। जय हिंद।